ਜਨ ਸੋਲਰ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਹਾਲ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹੋਗੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਊਂਠ ਰੇੜਾ ਊਂਠ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਟਰੇਡ ਉੱਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ 12 ਪਲੇਟਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 13 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ 12 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਐਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਐਨ ਟਾਈਪ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਵਾਟ ਕੇ 580 585 वाट की 585 वाट की एन टाइप की प्लेटें हैं जनाब और ये ब्रांड है जनाब सरैकी ब्राइन पे इन्होंने लगवाया है सेटअप ऐसा हाँ जी एक एकड़ वाला दो एकड़ वाला आराम से ले सकता है ठीक है अगर एक गड्ढा है 35-40 हज़ार रुपए का तो वो भी काम कर सकता है ऐसे ही ठीक है ये बाबा मोटरसाइकिल के नाल भी खेल सकते हैं ना मोटरसाइकिल ना क्रॉस करके ये मोटरसाइकिल भी इसको ले जा सकता है मोटरसाइकिल भी ले जा सकता है अच्छा ये जनाब ये भाईजान ये जो सिर्फ स्टैंड है ना सिर्फ स्टैंड अगर हमने ट्राली का स्टैंड बनाना हो ना इस तरह फोल्डेबल ट्राली बनानी हो तो एक ट्राली कम से कम 12-15 लाख में बनती है जो अच्छी ट्राली है और बुक क्लोजिंग वाली ट्राली जो होती है और ये जनाब रेड़े के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ ऊँट रेड़ा वो सिस्टम है जी ऊँट रेड़े का ये जी वो गधा खड़ा है उस गधे के साथ इसको खींच के लेके जाते हैं 13 प्लेट का ठीक है इसमें फिक्स जो है लगी हुई है ये है 12 ठीक है ठीक है तो ये प्लेट मुझे मिली है 25,200 की ठीक है ये जी स्टैंड जो इसका बना है 1,52,000 का ठीक है ये तो अच्छा आमतौर पर तो 15-20 लाख का स्टैंड बनवाते हैं खाली यार वो उसमें होते हैं 16 प्लेट 20 प्लेट तो जुगाड़ तो ये भी बड़ा बेहतरीन है बेहतरीन है पानी भी हम लोगों को दिखाते हैं किस तरह बोर से पानी निकल रहा है 1 एकड़ है 10 एकड़ है 2 एकड़ है ठीक है तो ये आदमी वो अपना काम कर सकता है रोज यहाँ बिजली बचा सकता है ठीक है हम थोड़ा सा घुमा के भी दिखा रहे हैं ये लिफ्टें लगी हुई है ना जी काटर पिने भी कहते हैं इनको ठीक है ये ऊपर नीचे ये देखें हमारे नीचे अब ये आ रहे हम बैठ गए और आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे भी आराम से इसको मूव कर रहे हैं और ये जिस सीमत में ले जाओ हाँ जिस सीमत अच्छा ये ऐसे भी घूम जाता है ऐसे भी घूमता है ये निकालना पड़ेगा तो फिर उसके बाद इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये जिसके 4 टायर है इसको घुमा सकते हैं टायर भी घूम सकते हैं गधे साड़ के अच्छा पंजाबी वीरे भाई ने गड्ढा का मतलब है कि खोता है खोता है गधा ये सराकी में उसको बोल रहे हैं गड्ढा हां जी खोता हम बोलते हैं गधा जी अच्छा ये उसके लिए उसका अपने थर माथा हर चीज उसकी रखी हुई है और उसको पीड़ा तो चला गया ये देखा जनाब ये हो गई है जी फोल्ड मुकम्मल हर तरफ से और इसको बंद करने के बाद अब ये गधे के साथ इसको बांध के लेके जाए जाएंगे और ये जनाब बहुत ही जुगाड़ सिस्टम है कम पैसों में कम खर्चे में किसान भाई जो है बड़े ट्यूबवेल पे भी ये सिस्टम लगा सकते हैं यार ये बाइक के ऊपर ले जाएं इसको एक बाइक लेके जा सकती है ये देखें जी 13 प्लेटें इसके ऊपर लगी हुई हैं एक एक प्लेट और बढ़ाई जाए 14 प्लेटें की जाए तो 14 दो सेट ये बनाए जाएँ ये 1.5 लाख का सेट बना है 3 लाख में भाई जान ये स्टैंड बन जाएगा आपका बजाय इसके कि आप वो ट्राली बनाएं 15 लाख की 10 लाख की वो 3 लाख में आपका स्टैंड बन जाएगा और फोल्डेबल होगा सारा सीन ये देखें जी ये गधा है जनाब वो जो पूरी वो ट्राली को खींच के लेके जाता है ये जनाब गधा है 5-6 का बिगड़ा जनाब
और 12 की मोटर है कि 10 की मोटर है? 12 की मोटर है। अभी नाव 5-6 का ट्यूबवेल है और ये फ्री पानी जो मतलब यूज़ कर रहे हैं, जो कि भाई स्प्रे भी कर रहे हैं। जी जी पानी का हाँ, पानी नहीं होगा तो उसकी जिंदगी नहीं होगी। हमारा पानी बहुत है, जिधर पानी नहीं है उधर जाके पूछो, गोहे में पानी नहीं है, वजू करने के लिए पानी नहीं है।